हेलो बॉयज एंड एंड गर्ल्स दिस यू आर मी ऑन नमस्कार दोस्तों मैं हूं पाठक और आप देख रहे हैं फीफा जिस बात का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जी हां कोडे मैम सीजन टू का और अंगद वापस आ चुके हैं बात कर रही हूं हूँ विरवानी की तनुज वेलकम थैंक यू सो मच मी और अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा हुँ. काफी अमेजिंग रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं लेकिन सिर्फ काफी नहीं बहुत What? बहुत हाँ. बहुत आ रहे हैं और एक ऐसा कमेंट नहीं मुझे मिला कि नेगेटिव हो जी, जी, क्योंकि लोग बहुत टाइम से वेट तो क्यों इतना टाइम करो मैं और भी नर्वस होते जा रहा हूँ बिकॉज लोग इतने इतने अच्छे अच्छे चीज़ें कह रहे एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं यू नो और मैं एक्चुअली अभी किसी से बता रहा था कि जब मैं किसी शो के सीजन वन पर काम करता हूँ तो इतना स्ट्रेस टेंशन होता नहीं है बिकॉज चल गया तो वेरी गुड नहीं चला तो हम कुछ और करेंगे बट पिछले दो साल से मैं जहाँ भी जाता हूँ या फिर सोशल मीडिया पर जेनेफो के इतने सारे फैंस हैं सब पूछते सर कोड एम सीजन टू कब आएगा सर कब आएगा तो फाइनली आ रहा है नौ नौ तारीख को Uh, well, के भी काफी है, तो जवाब अच्छे exactly, जब सीजन टू uh, तो आता है लेकिन ऐसे कम ही सीरीज होते हैं जो सेकेंड you know, सीजन टिक पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितनी मेहनत कितना प्रेशर और यू uh, नो you know, कितना चैलेंज आपने फेस किया पूरी टीम ने हाँ exactly, एग्जैक्टली सही है कि पूरी टीम में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए और ये सिर्फ सेकंड सीजन की वजह से नहीं है ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि हमने कोविड के दौर में कोविड के बीचों बीच शूट किया तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे अनफॉर्चुनेट um, जब हम शूट कर रहे थे तो पुणे में तो काफ़ी टोरेंशियल रेनफॉल भी था वहाँ पर तो शूट रुक अटक अटक के हमें शूट करना पड़ता थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था पर uh, कभी मैंने किसी को भी सेट पर नहीं देखा कि यार हौसला हार गए कि नहीं यार पता नहीं नहीं होगा इट वॉज़ वेरी अमेजिंग सो आई हैव टू क्रेडिट नॉट जस्ट द एक्टर्स बट द टेक्नीशियंस एंड एवरीबडी बिकॉज सब चाह रहे थे कि नहीं हम इस सीजन को सीजन वन से और बेहतरीन बनाएंगे एंड लकली वी हैड द कोर टीम वॉज बैक हमारे डायरेक्टर अक्षय, अक्षय चौबे जो जिन्होंने सीजन वन भी डायरेक्ट किया ऑफ कोर्स सब हम वापस आए नो सो इट इट फेल की यार मैं अपने अपने बंदों के साथ कुछ बना रहा हूँ देखा जाए तो अंगद अंगद जो हैं वो लोगों के दिलों में बस गए तो अब फिर से उस अंगद को वापस लाना कितना इजी डिफिकल्ट वो जर्नी कैसी थी uh, so, मुझे क्या लगता है ना कि मैंने 2019 में सीजन वन के लिए शूट किया और अभी 2021 में सीज़न टू के लिए शूट किया तो दो साल बीत चुके थे अभी इन दो, दो सालों में हम सबकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ इतना इतने सारे अलग अलग चेंजेस आए हैं एंड आई फील वक्त के साथ इंसान भी बदलता है और परफॉर्मर्स भी बदलते आपका परफॉर्मेंस करने का स्टाइल भी बदल जाता है तो हैड है टू वॉच समर माई स्टफ फ्रॉम सीजन वन एट द सेम टाइम मैं मैं म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूँ तो लकली मेरे पास हर प्रोजेक्ट हर कैरेक्टर के लिए एक प्ले लिस्ट है तो आई वेंट बैक आई सो कि मैंने सीजन वन के लिए अंगत के लिए कौन सा प्ले लिस्ट सुना था आई स्टार्ट लिसनिंग टू दो सॉन्ग्स अगैन और धीरे धीरे करके मैं फिर से उस अंगद वाले जोन में आ गया सो so,

जान जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि अच्छा वो उनके साथ ये सब हुआ है इसलिए वो आज के दौर पर में, में ऐसे है so, और जेनिफर और जेनिफर अगर आपकी बात करें तो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है वो आ, लोग इंतज़ार कर रहे थे जी. कि आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो जो मैजिक है जी. वो फिर से देखने के लिए जी. तो वो मैजिक फिर से क्रिएट करना फिर से यू you नो know, आप लोगों के बीच में मतलब जब दो साल तक कुछ नहीं करता तो बातें चीतें कैसे चल रही थी और फिर से ऑन सेट आना पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप केमिस्ट्री को फेक नहीं कर सकते एंड दिस इज़ नॉट जस्ट बिटवीन मैन एंड वुमन इट कुड बी लाइक मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल आप केमिस्ट्री फेक नहीं कर सकते अगर आ, किस आपका और किसी के साथ एक अच्छा और एक अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ आप काम करोगे ना तो वो केमिस्ट्री बन ही जाती है एंड वर्किंग विद जेनिफर इज रियली वेरी वेरी ईजी बिकॉज वो बहुत ही कोलाबरेटिव है वो अपनी लाइन सीख कर आती है वो वेल well प्रिपेयर्ड है और वो चाहती है शीजा टीम प्लेयर वो चाहती है कि बस वो नहीं सब छा जाए शो पे यू नो शी इज़ नॉट ग्रीडी वेरी सेल्फलेस एक्टर तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है एंड देट्स वाई हमारे जितने भी सीन्स हैं चाहे वो इंटेंस सीन हो चाहे वो लाइट सीन हो जितने भी सीन्स हो uh, वो शूट uh, करने में बहुत मजा आया तो अगर कमेंट सेक्शन की मैं बात करूँ तो काफी कमेंट्स ऐसे आए लोगों का ये कहना कि यार ये बंदा बॉलीवुड फिल्मों में क्यों नहीं आ रहा आ, मतलब आपको देखने के लिए बेताब है बड़े पर्दे पर एंड यू डिजर्व इट

मैं एक ड्यूल करियर बना दूँ जहाँ पे मैं ओ टी भी काम कर रहा हूँ और फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ बिकॉज लेट्स फेस इट जब uh, मैंने फैसला लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है 2013 में तो आई वांटेड टू बिकम अ फिल्म एक्टर बट अनफॉर्चुनेटी उस टाइम पर वो नहीं चला बिकॉज मेरी फिल्म्स नहीं चल रहे थे बॉक्स ऑफिस पर बट टुडे आई फील इट्स टाइम टू ट्राई अगेन आपकी बात की जाए ना तो आप एक ऐसे एक्टर हैं आप बहुत सोच समझ के अपने कैरेक्टर और यू नो स्क्रिप्ट चूज करते हैं ऐसे नहीं कि बस काम करना है तो मैं कुछ भी करूं तो आप बहुत ही सिलेक्टिव है तो क्या आप क्या कुछ देखते हैं क्या कुछ ढूंढते हैं कि हाँ क्या मुझे करना है um, तीन, तीन तीन तो है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, mm -hmm. स्क्रिप्ट इज किंग कौन है बिकॉज आपके इर्द गिर्द कौन से कैसे कैसे कलाकार है एम नॉट सिंग टू बी द बिगेस्ट एक्टर आउट दे बट गुड एक्टर्स बिकॉज जब आप अच्छे एक्टरों के साथ काम करते हो तो यू हैव टू रेज योर गेम आपके पास और कोई चारा है ही नहीं एंड थर्डली आई फील द प्रोडक्शन हाउस यू नो बिकॉज दे नीड टू हैव द विजन दे नीड टू हैव द मनी दे नीड टू हैव द रिसोर्सेज टू पैकेज द प्रोजेक्ट इन द राइट वे रोल फॉर मी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट कई अब अब कई बार चेक करोगे कि कई सारे शोज में मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर हूँ लीड हूँ सपोर्टिंग एक्टर हूँ समटाइम्स आई एम द मेन लीडिंग एक्टर तो आई एम नॉट कंसर्न इट नॉट मैटर कि मेरे पास पाँच सीन है या पचास सीन है बट इन दो सीन्स मैं चाहूँगा कि आई लीव एन इम्पैक्ट और मेरी मेरी जो कैरेक्टर है वो इम्पैक्ट करता है लार्जर स्टोरी को सो दैट इज हाउ आई लुक आई थिंक वो आप फाइनली वो इंस्टिंग पर जाते हैं लाइक दस लोग बीस चीज़ कहेंगे बट फाइनली यू हैव टू लिस्टन टू ऑर हार्ट समटाइम्स दे आर शोज एंड फिल्म पीपल आर लाइक ये मत कर जैसे मैं अभी मैंने पिछले साल तंदूर किया विच वॉज बेस्ड ऑन तंदूर कांड सब ने कहा कि मत करो इट्स अ विलेन इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट प्रॉब्लम में फंस जाओगे आई जस्ट वन बेस्ट एक्टर रोल फॉर देट हाँ तो आई एम लाइक यू हैव टू डू इट यू नो नो मैटर वॉट जस्ट लिसन टू दिस एंड कोई ऐसा अभी यू नो रोल है जो आप करना चाहते कोई जॉनर है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है like yeah. oh. तो बहुत सारे हैं बट आई लव बीइंग पार्ट ऑफ गैंगस्टर शो समथिंग लाइक सम गॉड फादर अग्निपथ समथिंग लाइक दैट आई वुड वु कॉमेडी आई एम एशी डूइंगीट so many I, I, would love to play a real life um, historical character i've never done a period drama before so kafi sare cheez i would love to do a musical songs and dance and romancing the heroine uh, yashraj and dharma style and being the srk yeah you, i want to do everything exactly your audience bhi aapke fans bhi aapko dekhna chahte yeah. hai ye sab karte hue i hope so और तनुज अब जाते जाते आपसे जाना चाहूँगी ऑडियंस जो है जनता जो उनकी तो उम्मीदों काफ़ी हैं कोडम से लेकिन आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं audience से <laughs> मेरी उम्मीद ऑडियंस से यही है कि आप नौ तारीख़ से कोरम के सारे एपिसोड्स इसमें नौ एपिसोड्स है सारे एपिसोड्स एक करके एक नौ एपिसोड्स बिंज करो इन्जॉय करो और प्लीज़ स्पॉयलर्स मत देना प्लीज़ यू नो बिकॉज हम हम बड़े प्यार से बड़े सोच समझ कर यू you नो know, ये ये शोज़ बनाकर आपको दिखाते हैं तो प्लीज़ लेट एवरीबडी इन्जॉय एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वन वीक टेन डेज किसी दिस स्टे ऑफ द इंटरनेट एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हम्बल हूँ कि आपने अभी तीन चार पाँच साल से आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया है और आपके सपोर्ट की वजह से ही मुझे ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं नहीं तो शायद नहीं मिलते सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू